मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला की बड़ा मलहरा सीट पे एक नव समीकरण सामने आ सकत। इत छतरपुर जिला के बिजावर से विधायक राजेश बबलू शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं समाजवादी पार्टी से। दरअसल अब तक बड़ा मलहरा की विधानसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया है। दो ही प्रत्याशी लोधी समुदाय के हैं और बड़ा मलहरा क्षेत्र में लोधी समुदाय सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर है यादव समाज को और बाकी सारे समाज भी अलग अलग संख्या में बड़ा मलहरा क्षेत्र में हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी रजनी बबलू शुक्ला को मैदान में उतार दे तो एक नव समीकरण बने जी में ब्राह्मण समाज और यादव समाज के संगई और स्थानीय वोट मिला के एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकते है। और ऐसी स्थिति में एक नई रोचक जंग देखने को मिले, लेकिन का रजनी बबलू शुक्ला चुनाव लड़वे वाली हैं ई के बारे में हमने बात करी उनके पति राजेश बबलू शुक्ला से जो बिजावर से के विधायक हैं। सुने जरा का बोले हैं बबलू शुक्ला। हमारे संगे समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी हैं। भाई साहब सुनी है कि भौजी चुनाव लड़वे वाली हैं, का है तैयारी? अब तैयारी कठिन मिलिए तो वही उन्होंने करवा दी है तैयारी रात से एकदम पेपर वालन ने और क्षेत्र की जनता ने, बाकी अभी हमारी तरफ से ऐसा कछु बन रही है जी। लेकिन अब दिन भर से भीड़ लगी है, क्षेत्र के आदमी आ रहे हैं, मलेरा विधानसभा के आ रहे, तो आप आदमी से जो कह रही मन रख रही है सोच रही, बाकी ऐसा कछु बन रही है जी। हम क्षेत्र की बजाय क्षेत्र की जनता के लाने सेवा के लाने मौका हमें मिलू है जी। तो इसे हम पूरी मन लगा के उनकी सेवा में लगे हैं जी। इतना हो रहा है कि उनकी सेवा कर पाए हम, जो दो विधानसभा बहुत मुश्किल बनेगी, बहुत लंबो क्षेत्र जी। फिर भी आप और उनकी जो भावनाएं हैं क्षेत्र की जनता की, बड़ा मिला क्षेत्र की जनता की जी, अपनी तरफ से अपन धन्यवाद दे जी। लेकिन कई जा रही के बड़ा मलहरा में ऐसे समीकरण है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर आपके परिवार में या मतलब कई जाकर उन ब्राह्मण परिवार से तो ब्राह्मण यादव को जो जातिगत समीकरण भी है और क्षेत्र में भी जी तरीके से दो ही प्रत्याशियों के प्रति उनकी पार्टियों में भी बहुत अलग अलग तरह की बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन विचार बन सकत का भविष्य में? हाँ कैसे जो पहली बार देखो घटनाक्रम भाव जी, कि एक जाति के लोग हाँ दो ही पार्टियों ने टिकट दे दो तो निश्चित कहूँ ना कहूँ एक आक्रोश है क्षेत्र में। वो बड़े समय से उस क्षेत्र के जनता की मांग रही है स्थानीय प्रत्याशी की जी, तो स्थानीय ने हाँ मिलू नहीं है जी, तो अब स्थिति देखो कहा हो। बाकी एक तबका यादव समाज को बहुत बड़ो तबका है, 40-42 हजार वोट है जी, 10-10 साल से होते यादव विधायक रही है जी, तो ये परिस्थिति में अब कछु भी हो सकत जी, और देखो जैसो जटाधारी का मंजूर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। धन्यवाद भाई जी। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तब ही पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।